टू माय चैनल। मैं हूं शिविका और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं मीशो रैंडम फाइंड्स हॉल पार्ट टू। पार्ट वन की वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाइए और देखिए, बहुत ही मजेदार वीडियो है। और इन वीडियोस में ना मैंने मीशो से कुछ रैंडम प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं, कुछ ऐसे जो बहुत ही वायरल जा रहे थे सोशल मीडिया पे और कुछ ऐसे जो मुझे बहुत पसंद आए थे, तो मैंने वो ऑर्डर कर लिया और इन सब का ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इन केस यू वांट चेकआउट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने सारे प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग कर ली है ताकि मैं जल्दी जल्दी आपको ये प्रोडक्ट्स दिखा पाऊँ। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है ना, ये मैं ऑर्डर करते हुए थोड़ा सा झिझक रही थी क्योंकि इनकी क्वालिटी जल्दी से मार्केट में अच्छी मिलती नहीं है और खासकर जब इतने चीप प्राइस में मिल रहे थे ना, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, पर मैंने ऑर्डर कर लिया। ये है 7 पेयर्स ऑफ ईयर स्टड यानी ईयर रिंग भैया, और इनकी क्वालिटी तो क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़बरदस्त आई है। और इनका शेप भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब पर्ल है, स्टोन है, हार्ट शेप्ड है, तो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ना, ये मैंने स्पेशली अपने ऑफिस लंच बॉक्स के लिए ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और जब मैं शॉपिंग कर रही थी ना, तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये इसको ऑर्डर करूँगी, पर स्क्रॉल करते करते ये प्रोडक्ट दिख गया और काफ़ी सही प्राइस में मिल रहा था, तो मैंने ऑर्डर कर लिया। और जब ये डिलीवर हुआ और जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की ना, दिस टर्न आउट टू बी द क्यूटेस्ट किचन फाइंड सर्विंग फाइंड्स, क्योंकि ये है एक क्यूट फ्रूट या सैलेड फोक और इसकी साइज़ भी इतनी अप्रोप्रिएट है ना कि आप आराम से लंच बॉक्स में इसको पैक कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा था और हर एक इन्फ्लुएंसर इसका वीडियो बना रही थी। मैं थोड़ी सी लेट हो गई इसको ट्राई करने में, पर कोई बात नहीं, आज के वीडियो में इसको भी कवर कर लेंगे। और आपने भी पक्का इस प्रोडक्ट को देखा होगा, मुझे कमेंट्स में बताना कि आपने इस प्रोडक्ट की वीडियो देखी है या नहीं। तो चलिए देखते हैं इस प्रोडक्ट को। पैकेजिंग तो काफ़ी बढ़िया कर रहा है मीशो आजकल। सो ये है हार्ट प्रिंटेड कप एंड सॉसर का सेट। इसमें और भी बहुत सारे प्रिंट्स अवेलेबल थे, बट ये वाला प्रिंट सबसे ज़्यादा वायरल गया था, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। और आपने भी इसकी वीडियो देखी है नहीं, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। और लुक वाइज तो ये बहुत अच्छा है ही, साथ ही में इसका साइज़ मुझे काफ़ी अप्रोप्रिएट लगा, क्योंकि जब आप कॉफ़ी या चाय पीते हो ना, बींग अ कॉफ़ी लवर और चाय लवर, वो छोटे कप या मग में पी के ना मज़ा नहीं आता, मन नहीं भरता, तो ये वाला साइज ना एकदम अप्रोप्रिएट होता है मन भर के चाय या कॉफ़ी पीने के लिए। और लुक वाइज अच्छा है, क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगी, मुझे बहुत टॉप नॉच क्वालिटी इसकी नहीं लगी, बट हाँ बहुत अच्छा है इस प्राइस के हिसाब से, सो आप इसको भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ना, ये भी सोशल मीडिया इंस्पायर्ड है, पर ये कोई वायरल प्रोडक्ट नहीं है। मैंने ना रिसेंटली देखा कि बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ना मीशो से हैंड क्लच ऑर्डर कर रहे हैं, और इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी के हैंड क्लच आ रहे हैं कि मुझे भी ट्राई करना था, तो मैं भी निकल गई खोज में एक अच्छे से हैंड क्लच के लिए जिसको मैं यूज़ कर पाऊँ। और मुझे मिला ये कपल प्रिंटेड हैंड क्लच, एंड जैसे ही आप इसको ओपन करते हो, इसमें एक पॉकेट भी बना हुआ है यहाँ पे, और इसी के साथ आ जाती है हैंगिंग चेन जिससे आप इसको स्लिंग बैग की तरह भी यूज कर सकते हैं। लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द हॉल, और इस एक प्रोडक्ट में तीन प्रोडक्ट आए हैं, कैसे बताती हूँ। और इसके पहले ना मैं बता दूँ कि ये पूरी तरह रैंडम फाइंड स्टेटमेंट को ना क्वालिफाई करता है, क्योंकि मैंने ये बिल्कुल बिना सोचे ऑर्डर किए, मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों ऑर्डर किए, पर जब ये डिलीवर हुए ना तो मुझे लगा ये ट्रैवलिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, और ट्रैवलिंग भी नहीं, डेली यूज में काफ़ी अच्छे से यूज़ हो जाएंगे। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट आया है इस प्रोडक्ट में, वो है ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड पेपर सोप। काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज का है, बैग में रख लो कहीं अगर सोप वगैरह अवेलेबल नहीं हो और आपको हैंड वॉश करना हो, तो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। जो इसमें नेक्स्ट प्रोडक्ट आया है वो है ये यूनिकॉर्न कैन शेप्ड वेट वाइप्स। ऑल्दो मैं इसको अपने फेस पे तो बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाली हूँ, इसको मैं तब यूज़ करने वाली हूँ जब पानी वगैरह अवेलेबल ना हो और मुझे हाथ क्लीन करने हो, तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप इसको फेस पे तो मत ही यूज़ करो, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट हमको नहीं पता है क्या है। इस प्रोडक्ट में जो लास्ट प्रोडक्ट आया है ना, वो इसके साथ क्यों आया है मुझे नहीं पता, इसके साथ पेयर ही क्यों किया गया है मुझे नहीं पता। ये है एक अनलिमिटेड पेंसिल, बेसिकली अ पेंसिल ओनली, और क्यूट है, बट मुझे नहीं पता इसके साथ क्यों पेयर किया गया है। वेरी 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 बेसिक रैंडम फाइंड। तो ये था लास्ट प्रोडक्ट इस हॉल का। तो गाइस ये था आज का हॉल, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको ये प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, और मुझे बताना कि इन प्रोडक्ट्स में से आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा और कौन सा प्रोडक्ट एकदम ही बेकार लगा। स्पेशली लास्ट प्रोडक्ट के लिए मुझे जरूर कमेंट करना कि वो यूजफुल होने वाला है या नहीं, क्योंकि वो बहुत ही रैंडम फाइंड था। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, और वीडियो को लाइक करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो कमेंट्स करिए, शेयर इट विद योर लव्ड वंस। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करोगे ना, तो मैं ऐसे वीडियोज़ और भी आपके लिए बना पाऊंगी।
और प्लीज प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए अपना बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि जब भी ऐसे वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो यस, स्टे ट्यून्ड गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।